अभी तक है जब तक तुम्हें हाथ पांव चल रहे, ध्यान रखना आपका आपके घर में तभी तक प्रेम है जब तक हाथ पांव चल रहे। और जादना हाथ पांव चलो वो बंद हो नहीं, जादना चार पाई पे लेट जाइयो, जादना बेटा से कहियो को लोटा पानी पिवाए दे, पानी नहीं पिलाएगा। ध्यान रखना मेरी बात को, और ये आपके लिए नहीं बल्कि जितने बुजुर्ग बैठे हैं हम सबके लिए कहना चाहेंगे, आपका प्रेम आपका लड़का आपकी बहू आपकी पत्नी आपके घर वाले तभी तक प्रेम करते हैं आपसे जब तक हाथ पांव चल रहे। जब बेटा चाहता है चलो अबे तो बाप मऊ ए नऊ है तो काम करते हैं, अबे तो काम करते हैं माओ पिता तो जब तक काम हो रो तब तक करवा ले, जिस दिन काम करना हाथ पैर बंद कर देंगे उस दिन अच्छे अच्छे साथ छोड़ के चले जाएंगे। गोविंद भगवान की, इसीलिए कमलो माया में पढ़ो। सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया, सुनो पिताजी मैया है, हाँ, मेरा कोई नहीं है केवल भगवान के सिवा। अपना तो कर लो दूसरे को ऐसे ही राख बोले गोविंद भगवान की। आज महाराज श्री सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, सुखदेव महाराज चले चल करके जंगल में पहुंचे। जब सुखदेव महाराज जंगल में पहुंचे तो इन्हीं सुखदेव महाराज ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई। सुखदेव महाराज को कथा का ज्ञान कैसे हुआ था? भोले बाबा के द्वारा। तो सुखदेव महाराज के गुरु कौन हुए? भोले बाबा। आज सुखदेव महाराज जंगल में पहुंचे, पहुंच करके महाराज परीक्षित को कथा सुनाई। जब परीक्षित को कथा सुनाई है सुखदेव जी महाराज ने, तो सर्वप्रथम कथा सुनाई सुखदेव महाराज ने शिव सती चरित्र की कथा, कि किस प्रकार से मैया सती जो थी वो अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई और जाकर के उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। एक समय की बात परीक्षित महाराज की, मैया सती जो थी वो भोले बाबा के साथ में कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। जब कैलाश पर्वत पर मैया सती भोले बाबा के साथ बैठी हुई थी तो उसी समय कैलाश पर्वत से महाराज विमान जा रहे थे। तो जब विमान जा रहे थे तो सभी देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके महाराज दक्ष के यहाँ पर जा रहे थे। तो जब दक्ष के यहाँ पर जा रहे थे तो उसी समय मैया सती ने देखा कि जितने देवी देवता है सो विमान में बैठ के सब जा रहे। सो सती कहने लगी भोले बाबा से, जब बताओ प्रभु जे सब देवी देवता कहाँ जा रहे? सो भोले बाबा बोले जे सब देवी देवता जा रहे तुम्हारे घर तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ पर। सती बोली क्यों? भोले बाबा बोले तुम्हारा पिता जो है वो अपने यहाँ पर यज्ञ रचवा रहा है। सती बोली प्रभु तो हम काहे नहीं जा रहे?
बोले बाबा बोले हमें बुलाया नहीं। सती बोली ऐसा हो नहीं सकता। बोले बाबा बोले ऐसा ही है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, हम नहीं जा सकते। सती बोली कछु गलती हो गई हुई है, धोखे से भूल गई हुई, ऐसो करो प्रभु हमें चलो जान दे, हमें चला जाने दो, मेरे पिता से जरूर कुछ गलती हुई होगी, भूल गए होंगे बुलाना, प्रभु चलो जान दे। भोले बाबा ने रोका, सती बिना बुलाए जाओगी सम्मान नहीं होगा। कहा जाता है कि जाना भी किसी के यहाँ जाओ तो वो भी कई प्रकार के होते हैं। कहा जाता है परीक्षित महाराज के अगर आपके मायके में आपके पिता के ऊपर कोई संकट है, ध्यान से सुनना माताएं, खासतौर पर सुने माताएं, तुम लोगों को मायके की ज्यादा परी रात, जब नहीं तब गोरी बिस्तरा गोले ही करें धरे रात, अगर कोई झूठी कह दे मायके चली जा, हम सवेरे ही चले जाएंगे क्योंकि मन ही नहीं महाराज, इनके बोरी बिस्तरा गोले ही धरे रात मायके की कह दे, तो अगर जब कह दे कि अन्य रिश्तेदारी में चले जा तो जब लगे तुम दम सी निखरी जा तो गए है? अगर इन्हीं तक जब कह दो मायके में पिता के यहाँ पर कछु काम है, कि तो बड़ो काम होगा जब मायके पहुंच जाए तो सब काम बटवाए लेती, सब हाथ बटवाए लेती काम में, और महाराज जब कह दो कि ससुराल में ने को काम कर लियो तो जो सास ने कही बहु ऐसो काम कर लियो सो कहूँ महाराज मूड में पीर होने लगा, कम कछु होने लगा तो कम कछु बाने बना लेती है, ऐसे ऐसे बानियां बनाए लेती। अगर ससुराल में जो कह दो बहु ऐसो काम कर लियो जो सास ने कह दी जो लगन मन फांसी बटांग दोगे हो वे, और मायके में पहुंच जाए कह देवे मैया बेटी ने कैसो काम कर लिया, हां भैया ब्याह करेंगे तुम काय परेशान रे तुम बैठो ब्याह करे ले, हेलो कछु कहो जो का मायके में चाहे पूरे दिन लगी रहे हो और घर कह दे तो फिर देखो मां वारा शुरू तो तुम्हारी बहु कत होई है का। अच्छा हम तो पीती वही है ना, अरे बेचारो दुखो मारो है। बोले गोविंद भगवान की, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भोले बाबा ने समझाया सती बिना बुलाए जाओगी सम्मान नहीं होगा। कहा जाता है अगर पिता के ऊपर कोई संकट है मायके में, और अगर कोई संकट है भाइयों के ऊपर या पिता के ऊपर, अगर पिता तुमको नहीं बुला रहा है तो बिना बुलाए अपने पिता को देखने जाना चाहिए, अपने पिता की मदद करने जाना चाहिए, अपने भाइयों की मदद करने जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका पिता हर तरह संपन्न है, आपका भैया हर तरह संपन्न है, और अगर घर में कोई प्रोग्राम कर रहा है, कोई आयोजन कर रहा है, और अगर आपको नहीं बुला रहा है तो बिना बुलाए नहीं जाना, क्योंकि बिना बुलाए जाओगे तो सम्मान नहीं पाओगे, ध्यान रखना। बोले बाबा समझा रहे पार्वती, मान लो बात सती, मान लो मेरी बात, ना जाओ बिना बुलाए। सती बोली कछु हो जाए जरूर जाएंगे।